अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज उन बच्चों के लिए जो जामिया डिप्लोमा एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मुझे भी आज ये मालूम हुआ, एक्चुअली जामिया मिलिया इस्लामिया जो एंट्रेंस कंडक्ट करता है, उसमें जो पेपर आता है उसमें 170 क्वेश्चंस होते थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से। 60 क्वेश्चन मैथ्स से होते थे और 55 क्वेश्चंस जो होते थे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते थे। उसमें 9-10 का सिलेबस होता था 90-95%, 5% थोड़ा सा एक्स्ट्रा कह लीजिए या 11th का थोड़ा सा टच कह लीजिए कुछ टॉपिक्स में होता था, तो ये उनका सिलेबस का ग्राउंड रहता था। लेकिन आज ही मुझे माशाल्लाह से एक बच्चे से थ्रू मुझे मिला नोटिफिकेशन कि इस बार सिलेबस चेंज हो गया 2020 के लिए, तो इस बार के लिए उसमें इस बार अच्छा ये जो पेपर होता था 170 क्वेश्चंस का 3 आवर्स का होता था, 180 मिनट्स का, लेकिन इस बार जो रेशियो कर दिया है वो इक्वल कर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल हो गए हैं 66 एंड 67। मैथ 67 एंड फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हमारे पास 66। ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये स्क्रीन पे हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमारे पास मैथमेटिक्स 67, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स 67 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री 66। 180 मिनट्स वही 3 आवर्स का है, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि मेरिट बनेगी तो 30 से तो ऊपर ही जाती है। और मेरा अपना मानना होता है कि 70% से अबव आपका स्कोर होना चाहिए अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो नियरली इस बार आप मान के चलिए कि 140 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 अगर आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपका सिलेक्शन शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। पहले हम 100-120 के बीच में रखते थे, इस बार 120-140 के करीब मान के चलिए। तो ये हमारे पास है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, तो 0.25 की हमारे नेगेटिव मार्किंग है। अगर इसका आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस वही है, ये हमारे पास सिलेबस है। अच्छा, ये हमने जामिया की ही वेबसाइट से लिया है। अगर आप जाएंगे एडमिशन वाले कॉलम में जामिया में तो वहाँ पे आप जुलाई 2021 डिप्लोमा प्रोग्राम्स डिप्लोमा अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो ये सिलेबस ऑफ टेस्ट डिप्लोमा आएगा। मैंने भी कंफर्म करने के लिए पहले जामिया की साइट पे गया तो वहाँ पे ये सिलेबस आपको डला हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे फिजिक्स का है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वैक्टर क्वान्टिटी, एडिशन, सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जोन, तो ये वैक्टर वाला पार्ट 11th फैक्टर से मान के चलिए, वार्प पावर, एनर्जी, साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल, ये वाली वेव्स, तो इस तरह से हमारे पास ये सिलेबस है। केमिस्ट्री का हमारे पास सिलेबस है और ये हमारे पास मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिंपली अगर मैं आपसे बात करूँ, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है, AP है, और आपके पास जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स भी है 9th वाला पोर्शन, और आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, सर्किल है, और सर्किल में आपके पास थ्रू 3 पॉइंट्स प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इक्वल कोर्ड्स एंगल सबटेंडेड, तो 9th वाला पोर्शन भी है, सेगमेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं, और सम एप्लीकेशन ऑफ सम सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हैं, और आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी का नहीं आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी यहाँ मैंशन भी नहीं किया गया। तो 9th-10th की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है 10th का वो आता है, 9th वाला जो फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल वो भी आता है, बाकी सब वो मैच मिक्स ही हो जाता है। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स, तो उसमें वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट भी आ जाता है, तो वो वाला पार्ट्स है। तो 9th-10th का सिलेबस ही है मैथ्स में। स्टेटिस्टिक्स में कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन की बात कर लेता है, उस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस डिप्लोमाज में, बट मैं तो यही कहता हूँ कि अगर वो 5% आ भी रहे तो आप उसकी तरफ बिल्कुल फोकस मत करिए। मैं मना करता हूँ, देखिए मैं आपको एज ए टीचर भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि उस 5% को कवर करने के लिए आपको जो 10th और 9th का एफर्ट है उससे ज़्यादा डबल एफर्ट करना पड़ता है। तो 100% एफर्ट मतलब डबल का 100% एफर्ट करके आपको 5% मार्क्स मिलने, छोड़ दीजिए 100% एफर्ट्स में 95% को ट्राई करिए, और 95% में से आप 75% अगर आपने स्कोर कर लिया इंशाल्लाह तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, बट प्रॉब्लम है मैं इसको थोड़ा सा मान रहा हूँ कि 170 क्वेश्चंस करना और अब ना 200 क्वेश्चंस करना आउट ऑफ 180 मिनट्स थोड़ा सा टफ टास्क होगा। कितनी भी तेज़ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा खासा इन्होंने सिलेबस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिया जामिया ने। मैं तो चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस डिक्रीज हों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर रिवाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है सिलेबस दोबारा से। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस बार अगर आप प्रीवियस पेपर्स देख रहे हैं और 170 क्वेश्चंस ही आप एज्यूम करके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन मैथ्स का होता था, 55-50 होता था, लेकिन अब यहाँ पे 67 एंड 66 का जो वो है रेशो है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन नियर बाई आप कर रहे हो, तो
तो 3 आवर्स में तो 60 मिनट्स में 70 क्वेश्चंस मान के चलिए एवरेज, तो वो थोड़ा सा टास्क रहेगा। तो इसलिए तैयार रहिए माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आफियत करे, आप लोगों को कामयाब करे माशाल्लाह से, तो कोशिश करिए इसको करने की। ऑल द वेरी बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।